हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंडोले स्टडीज। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ रोज़ के टॉपिक से, जिसका नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन। टॉपिक का नाम सेल्फ इंट्रोडक्शन है। यह एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जिसमें आप जहाँ पर किसी भी आप कंपनी में या फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको जो इंटरव्यू देना होता है उसमें जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आज मैं आपके लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर में वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और मैं उसको हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि इसका क्या अर्थ होता है। और इसी के साथ चलिए लेक्चर शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस देख पाएँ और समझ पाएँ और सीख पाएँ। इसके बाद मैं आगे लेक्चर्स में बैंक के और यूपीएससी वगैरह के जस्ट जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं मैं वो सभी भी लेकर आऊँगी आपके लिए। लेकिन अभी के लिए शुरू करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपको सबसे पहले कहना होता है गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैडम। आपके वहाँ पे जो भी आपका इंटरव्यू लेने के लिए सर या मैडम बैठे होते हैं आपको उनके हिसाब से या गुड मॉर्निंग सर या मैडम बोलना होगा। उसके बाद सेकेंड जो आपकी लाइन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसके बाद सबसे पहले आपको उन्हें थैंक यू बोलना होगा कि उन्होंने आपको ये अवसर प्रदान किया कि आप खुद को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं। उसके बाद आपका सेकेंड चीज़ होगी माई नेम इज़ डैश योर फुल नेम। आपका जो भी नाम हो आप वो नाम यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपका नाम हो, सपना चौधरी या फिर अरबाज खान, जो भी एक्स वाई जेड आपका नाम होगा आपके सरनेम के साथ आप वो नाम यहाँ पर फिल करेंगे। कई लोग अपने नाम के साथ अपने पापा का नाम भी जोड़ते हैं, तो अगर आप जोड़ते हैं तो आप वो ऐड करके योर फुल नेम बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ रहते हैं। आई एम बेसिकली फ्रॉम डैश बट करेंटली लिविंग इन डैश। हो सकता है कई लोग आपके जैसे किसी गाँव से किसी गाँव में हो या फिर किसी सिटी से बिलोंग करते हो पर कहीं और दूसरी बड़ी सिटी में रह रहे हो, तो इसलिए आपको बेसिकली मतलब जहां आपके माँ बाप रहते हैं, आपकी पैदाइश है, वो नाम लेना है यहाँ पर। और अगर आप कहीं करेंटली मतलब जहां भी आप लिविंग में करेंट में रह रहे हैं वहां का नाम लेना है। जैसे कि आप किसी छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बोरधई से बिलोंग करते हैं तो आपको, और अगर आप जॉब के लिए रह रहे हो भोपाल में तो आपको वहाँ करेंटली लिविंग इन में भोपाल लिखना होगा और बेसिकली फ्रॉम में बोरधई लिखना होगा। थर्ड इज I have completed my graduation in BCom from Dash University. अगर आप किसी बैंकिंग के जॉब में जाते हैं BCom करके या फिर आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहाँ पे BCom की जगह आप वो डाल सकते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, जैसे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है, ऐसे अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है उसमें से जो भी यूनिवर्सिटी में आपने किया होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब नेक्स्ट, I belong to a nuclear family, joint family. Nuclear और joint मतलब nuclear यानी family यानी छोटी family जिसमें आपके माता पिता, आप और आपकी बहन या आपका भाई रह रहा हो, यानी कि चार सदस्य रह रहे हो, और joint family में यानी कि उससे ज़्यादा लोग जैसे कि आपके चाचा चाची वगैरह वगैरह आपके साथ रह रहे हैं तो आप joint family बोलेंगे, नहीं तो आप nuclear family बोलेंगे। फिर आपको यहाँ पे आपकी strength बतानी है कि आपकी क्या क्या अच्छाइयाँ है, क्या क्या आपकी strength है, आप किस किस चीज़ में बेहतर हो। I am self-motivated, hard-working and disciplined person. या आप एकदम बहुत ज़्यादा अपनी अच्छाइयाँ भी नहीं बता सकते आप, तो इसलिए आपको दो तीन कोई अच्छी सिलेक्ट करके रखनी है, जिस जैसे कि आप मोटिवेटेड हो और हार्डवर्किंग हो और डिसिप्लिन हो, इस तरह से आपको आपकी स्ट्रेंथ इसमें बतानी है। फिर आपको बताना होगा कि आपका गोल क्या है लाइफ में। माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेटेड कंपनी एंड माई गोल इज़ टू अचीव अ गुड पोजिशन वेयर I can build my career as well as organization too. आपको गोल में ये बोलना है कि मैं एक अच्छी, पहले तो अपनी जॉब शॉर्ट टर्म गोल मेरा मतलब अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को अच्छी एक कंपनी में जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं उस कंपनी की पोजीशन को और ज़्यादा बढ़ाऊँ और अपना करियर भी उसमें बढ़ाऊँ और वो कंपनी जिस भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करूँ उसका भी नाम मैं आगे बढ़ाऊँ। फिर आपको बतानी है लास्ट में कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग, क्रिकेट प्लेइंग एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। आपकी कोई भी हॉबीज़ हो सकती है, मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन हॉबीज़ लिखी है कि आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको कुकिंग करना पसंद है यानी कि आप खाना बनाना जानते हैं या पसंद करते हैं,
फिर क्रिकेट प्लेइंग यानी कि कई लड़कों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, और लिसनिंग टू म्यूज़िक, गाना सुनना तो आजकल सभी को पसंद होता है, तो ये आपकी हॉबीज़ हो सकती है, ठीक है। सो गाइस, इसके बाद आपको एक और लाइन कहनी है, दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि यही सब था मेरे बारे में। इसके बाद आपको बोलना होगा थैंक यू सो मच, जो भी आपके जिनको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारी, उन सभी को आपको थैंक यू सो मच कहना होगा, और इसी के साथ आपका यहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, इसी के साथ ये लेक्चर भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के PDF लिंक के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाकर इस पूरे लेक्चर का PDF नोट, ये सारे पॉइंट्स PDF नोट में वहाँ से हासिल कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do like this video, comments on this video, share this video with your friends and subscribe to Pandole Studies. Thank you.